ओ माय गॉड, मेरा तो जाने का मन है दिया। हम ऊपर से चलते हैं दिया, एक बार कह रही है चलो एक लोती माँ बची हो, चलो यहाँ से। तो अब जैसे सब कुछ खुलने लगा है ना, तो हमारे काम भी शुरू हो गए हैं। बहुत काम पेंडिंग है। कल भी देहरादून गई थी, कल भी 4:30-5 बजे आई और आज फिर जाना है काम से। कल हो नहीं पाया था काम, आज मैं दिया को लेके जा रही हूँ। अगर वैसे कल मौसम बहुत अच्छा था और अगर आज भी मौसम अच्छा रहा ना, अच्छा तो लग रहा है, तो और कुछ अच्छा सा दिखा वहाँ पे तो ज़रूर दिखाऊँगी। आज मैं इसलिए कैमरा लेके जा रही हूँ, कल मैं ऐसे ही चली गई थी। ये दिया मैडम मेरे साथ इसलिए गई है कि अभी निकलते ही मैं इसको आइसक्रीम दिलाऊं। मेरा चश्मा रह गया, कुछ ना कुछ भूलती हूँ ना। मतलब आइसक्रीम के लालच में, खाने का लालच है, छोटा लालच होता है इसका, बड़ा पैसे वैसे नहीं चाहिए होते। भैया आइसक्रीम रखी हुई है आपने? हैं, मतलब मना भी नहीं करी उसने। ये लेने जा रही है आइसक्रीम, तभी आगे चलेगी मेरे साथ। आइसक्रीम खा के ट्रिप का कुछ अलग ही मजा आ जाता है। नहीं, आई हेट वेट बढ़ जाएगा, कैलोरी बहुत बढ़ जाएंगी। मैं ना बहुत सारी वो लीची खा के आई हूँ, लीची फ्रूट्स का मीठा। ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है ना। एक उस दिन वॉक करके गए थे तो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। अभी तो खैर ये यहाँ के लोकल जो जॉब के लिए जाते हैं ना, और अभी दिल्ली हरियाणा की नहीं है कोई भी गाड़ी, ये एक है पीछे। लाइव वीडियो तो सब नहीं, मतलब बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, वीडियोस देखते हैं कि फिर कह रही हूँ जैसे यहाँ पे आते हैं ना, मैंने खुद सुना था कि RT-PCR रिपोर्ट मांग रहे हैं और जिसके पास जिसको वैक्सीनेशन लगी हुई है उसको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, फिर उसको रिपोर्ट दिखाने की बना के लाने, क्योंकि लोगों को ना दो भ्रम है कि क्या कहते हैं कि अगर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है तो उसके बाद भी रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट नहीं चाहिए उसके बाद भी, उसके बाद सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए उसका, और नहीं तो फिर वो नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर RT-PCR रिपोर्ट चाहिए। यहाँ पे ना जो अभी दिखाया दिया ने, इधर क्या था कि मैंने मंदिर बनवाया था यहाँ से ना, एक भैया की शॉप थी बिल्कुल ही जंगल की बाउंड्री सामने। कह रहे बहुत तेज बारिश हो रही थी और लाइट चली गई, कह रहे हम जैसे ही बाहर आए ना तो कह रहे सामने बाघ बैठा हुआ था। मैं और शर्मा जी दोनों थे तब, तो कह रहे सामने बाघ बैठा हुआ और कह रहे मैंने दुकान का शटर कर रखा था और कह रहे वो भी देखे जा रहे और हम भी देखे जा रहे उसको। कह रहे बहुत डर लगा, कुछ कर नहीं सकते थे। कह रहे पर फिर मैंने धीरे से जाके, मेरे जो लड़का होगा ना उनका, कह रहे उसको बोला, इशारा किया, उसने किया अंदर, मतलब खोली थोड़ी सी और कह रहे हम वहीं से अंदर चले गए। कभी भी आ जाता है क्योंकि पूरा जंगल है ना इधर। कल मैं यहाँ गई थी ना हॉस्पिटल, कल फिर एक बार फिर से गई थी तो अकेली औरत देख के, कई लोग होते हैं ना कि भाई, पंचर वाला बोला मैंने हवा भरवाई, कहता भाभी जी वो क्या कहते हैं मैडम आपका ना ये टायर ना मुझे पंचर लग रहा है। अब उसको क्या पता, शर्मा जी ने हमको पूरा ट्रेंड किया हुआ था। मैं नीचे उतर गई, अब उन्होंने सोचा ये तो मैडम की तरह उठेगी नहीं, नीचे ही बैठी, मतलब बैठी रहेगी गाड़ी में। मैं उतर गई, मैंने कहा कहाँ है पंचर, तो कहते नहीं वो अभी ना चेक कर रहे हैं हवा। मैंने कहा हवा कम है, पंचर तो नहीं है। तो अब मुझे तो पता है कि वो पानी से चेक कर रहा था। कह रहे नहीं नहीं आप बैठे रहो। मैंने कहा अरे भाई पंचर नहीं है वो हवा। फिर कहता हाँ, फिर सारे आगे पीछे से उसने पूरी कोशिश कर ली। वो ज़्यादा समझदार बन रहा था अपने आप को। उसको पता नहीं है कि मैंने टायर तक बदले हुए हैं गाड़ियों के, पंचर हो गई थी जब मेरे। ये ना बहुत चालाक हो गई है। इन्होंने ना अपना पासवर्ड नहीं बता रखा था मेरे को क्या है, तो मैं ना क्या करती हूँ जब गाड़ी चलाती है ना, इनके फोन इनके मुँह के आगे रख देती हूँ, सामने लाके खुद ही खुल जाते हैं। मतलब ऐसे दिमाग तो ना आजकल के बच्चों को इतने लगवा लो, दिमाग खराब कर रखा है। गाड़ी रोक के पासवर्ड खोल रही है, बताएंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो रोड आ रहा है ना ये वाला, ये इधर गंगोत्री के लिए जा रहा है। हमने वो एक दिखाया था क्या कहते हैं मनीक्षा माता का मंदिर, तो सब पूछते थे। तो 7 मोड़ से आएंगे ना, थोड़ा सा आगे आते ही ये कट मिल जाएगा गंगोत्री के लिए, ये शॉर्टकट है। क्या शानदार नज़ारे हैं ना। मैं कल आई थी, कल मैं बोर हो गई थी क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई थी। आज इसको पकड़ के लेके आई। ये खाने का लालच दो ना तब आती है ये। और इतना बढ़िया मौसम था कल भी। दिल ऋषिकेश से 4 डिग्री ठंडा रहता है देहरादून, क्योंकि सारी मसूरी वसूरी पूरी वैली है ना वो। और यहाँ बारिश हो रही थी, वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। ये देखिए ये शानदार नज़ारे। सच में मैं आज कहीं जाऊंगी जरूर घूमने के लिए। उस दिन हम गए थे माल देवता रोड के लिए, इस तरफ गए थे, वो जो गांव दिखाया था ना मैंने। अब हम जा रहे हैं इस तरफ दूसरी। इस टाइम पर ये जगह हो रही है चेक, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा गाड़ी में क्यों मास्क अलाउड किया हुआ है। सच में ये आ गए हम देहरादून सिटी के अंदर, और रश देखिए। यहाँ पे अभी भी पुराने जमाने की तरह घोड़े पे बैठे हुए हैं, पर ये पुलिस वाले हैं। मैंने बोला था ना यहाँ के वेदर में फर्क है। अब यहाँ भी बारिश शुरू होगी, कल भी ऐसे ही हुआ था। डैशबोर्ड पे देखना, थोड़ी देर बाद तेज शुरू हो जाएगी। यहाँ ना देहरादून में फ्रूट बड़ा अच्छा मिलता है, और बहुत मोटे मोटे आम मिल रहे हैं। तो मैं जरा पूछती हूँ, ये 100 का 2.5 किलो, ये 100 का 2 किलो। यहाँ हलवाई की दुकान खुल गई है। यहाँ से सुरकुंडा देवी सिर्फ 69 किलोमीटर है। ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखा है, पूरा पहाड़ ही निकल गया है। हम ना उधर से आ रहे थे क्या कहते हैं देहरादून से। मैं कितनी बार देखती थी यहाँ पे। ये बाला सुंदरी पौराणिक मंदिर है, ये तो महादेव का मंदिर है। तो आज चलते हैं, और ये 300 मीटर दूरी पे। और ये ना लोकेशन बहुत अच्छी है। ये सब बांस के पेड़ लगे हुए हैं। मुझे अच्छा बहुत लगा, मैंने कहा बड़ा ही सुंदर जगह है। बड़ी ज़रा देखते हैं ना दिया। दिया को आज ना कुछ खाने को नहीं मिला है, अब जाके इसको खिलाऊंगी। रास्ते में कुछ मिला तो इसको ना पिज़्ज़ा बर्गर कह रही हो कुछ नहीं लाई, मैगी खिला दी थी वैसे मैंने इसको। ये कह रही है गाड़ी लेके आते आगे से, बहुत कुछ गाड़ी में था। आजा चल चल। बड़ी पता है पैर ना वो अकड़ गए हैं, जकड़ गए हैं। कई दिन से ना गाड़ी के चक्कर लग रहे हैं मेरे, तो वॉक हो नहीं पा रही है। तो बुरा हाल हो गया है। ये मम्मी रास्ते में खड़ी कर आई गाड़ी और ये भाग रही हूँ। अच्छी वॉक हो गई। गाड़ी वहाँ पे फंस गई है, निकल सकती है गाड़ी। कार वाले को बोला, मैंने कहा भैया बहुत जगह पड़ी है। कह रहा मैडम इसलिए नहीं खड़ा, पर उससे निकल नहीं रही थी। कह रहा वो कुछ और काम था, फिर वापस आके पीछे जाके फिर लेके गया। दिया कह रही है मम्मी ऐसी जगह ना दिन में तो बहुत अच्छी लगती हैं, रात को बड़ा डर लगता है यहाँ पे खतरनाक। और मैंने कहा अलग ही मजा है। देखो कितने सुंदर घर हैं जंगल के बीचों बीच। कह रही है कितना दूर है मंदिर। ये भौंके जा रहा है कि पता नहीं कौन आ गया यहाँ पे। हाँ भाई ये देखो, बाप रे बाप खतरनाक। वाह मंदिर ऊपर है। यहाँ भी काफी मकान बनते जा रहे हैं अंदर ही अंदर ना। लोड ना पड़े पैरों पर, पैरों पे लोड ना पड़े, इसलिए बैक से बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। बैक वॉक से ठीक है। हाँ साइड से हाँ, थकान भी ज़्यादा होती है। रुक गई। बार कह रही है गाड़ी आराम से आ जाती। भाई हमारे पैर ना जाम हो गए थे बिना वक्त। दिया ये रहा मंदिर, कितना दूर भी नहीं है, 300 मीटर। इसने सोचा 300 किलोमीटर, मैंने नहीं सोचा। 300 मीटर कुछ नहीं होता। देखो शौचालय भी बना हुआ है यहाँ पे। बंदर खा रहे होंगे ना आम भी, तो इसकी खुशबू आ रही है बड़ी अच्छी। ये पूरा आम का पेड़ है। अभी मैंने पूछा तो कहते मंदिर खुला है और यहाँ तो क्रॉस किया हुआ है, पूरी तरह से बंद के रखे, लकड़ी उकड़ी लगा। मम्मी चलो ना, मेरा बहुत मन है, चलो। हैं? देखते हैं एक बार जा। चलो आप। हाँ चलेंगे, कह रही है चलो। कोई बात नहीं, हम जंगल में घूम आए। महामाया माता बाला सुंदरी मंदिर बंद है। ओ माय गॉड, मेरा तो इतना मन था और यहाँ पे तो बंद है। कह रही है ओ माय गॉड, मेरा तो बहुत मन था, यहाँ पे तो बंद है। बदतमीज गई की, इसीलिए बंद मिला है। ओ माय गॉड, मेरा तो जाने का मन है दिया, हम ऊपर से चलते हैं दिया, एक बार आजा आजा। कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, ये कहाँ से आएगा बच्चा? इतनी पतली भी नहीं है, मैं निकल सकती। तो जाती मैं निकल जाऊंगी उसमें से। आजकल के बच्चों का ये हाल है। सुंदर जगह में मंदिर है ना, वाह। जैसे वो था ना, क्या कहते हैं, मन इच्छा वाला मंदिर। मेरा और शर्मा जी के साथ गई थी मैं, तो इच्छा पूरी नहीं की माता ने। वाह क्या नज़ारे हैं। आसपास लोग काम कर रहे हैं। पर ये मंदिर का शायद भंडारा होता होगा। इधर ऊपर पूरा जंगल है। ये अब ना मेरी तरह डर रही है, मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। और ये देखिए नीचे भी कुछ है बना हुआ ना। और ये देखो छोटी छोटी ना आम भी पड़ी हुई है साबुत, बनाई जाएगी चटनी वटनी। देख आम भी। कह रही है चलो एक लोती माँ बची हो, चलो यहाँ से। नहीं इतना डरपोक बच्चा है ना ये, सच में बहुत ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा। दिया मुझे आम चुराने हैं। अरे यार ले तो नहीं आपने आम हैं? नहीं वो चुराने, वो चुराने हैं यहाँ पे। इतने बड़े 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 चलो सब आ जाओ। कहाँ से चुराऊं? चलो नहीं तो लट पड़ेंगे। कह रही है चलो नहीं तो लट पड़ेंगे। मजा आ गया ना घूम के? वैसे दिया आया नहीं आया बता? हैं? अभी मना कर रही थी, जैसे इसकी तरफ कैमरा किया तो इसको मजा आ गया। ये मंदिर है, ये घर बने हुए हैं और ये पीछे पूरा जंगल है। वाह क्या नज़ारे हैं। और ये दिया है और ये मैं ये लंबा रास्ता देख के ना वहीं रुक गई। हालत देखो ये इसको थोड़ा सा लंबा लगा है, जरा सा ना 2 मिनट, बल्कि ये छोटा है। इससे हम सीधा रोड पे पहुंच गए। पत्थर मार रही है। आम ही मिली? अच्छा, अरे वाह मेरा बच्चा, वाह मेरा बच्चा, वाह। ये नीचे गिर के फट जाती है ना फिर बेटे। ये देख कितनी गिरी हुई है। वाह देख कितना प्रसाद मिल रहा है। मतलब हमें प्रसाद तो मिला नहीं क्योंकि मंदिर बंद था, तो हमने ये आम भी उठा लिया। अब इसको घर जाके धोएंगे हम। चोर, ये देखिए चोरी नहीं की है, पड़ी हुई है ये देखो। और भरमार है यहाँ पे, कम से कम 2-2.5 किलो हो जाएंगी। हो गई चोरियाँ? चोरी नहीं की है, उठाई है। देख ये देखो बंदर ने झपट ली ना, फिर देखना। अरे भाई 2-4 आम फेंक दो ऊपर से। पत्थर फेंक देंगे बच्चे, फेंक दे आम। करो और करो, यहाँ पैसे चलोगी। हाँ देख दिया, ये हैं बड़े बड़े आम। अब इनको तो आप चोरी नहीं कर सकते। हाँ घर में से ना आवाज़ आ रही है। मुर्गे की भी आवाज़ आ रही है। मुर्गा बता रहा है ये आम चोरने वाले लोग आ रहे हैं। ये हमारी मम्मी ना हमें भी फेल करती है हरकतें करने में। पापा भी बोलते थे कार्टून है पूरी। ये देखिए अब कैसे नहाना पड़ रहा है ना। मैं कह रही थी ना आपको टाइम पे लेवल दिखाते रहेंगे। ये देखिए लेवल देखिए पूरी। अब यहाँ से प्लेन हो जाएगी एकदम और ये लेवल बढ़ते बढ़ते ऊपर तक आ जाएगा अगर अच्छी बारिश हुई। क्योंकि यहाँ भी कल खूब बारिश हुई थी और पीछे भी खूब बहुत गर्मी थी, लेकिन अब बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया है। तो भाई 3-4 दिन से ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अब जो सिंगल लेडी वाली लाइफ जी रही हूँ ना, पहले तो शर्मा जी का था सपोर्ट, दम से आके साइड में बैठ जाना या साइड में आगे ड्राइव सीट पे भी बैठते थे, ड्राइविंग पे भी, तो एक सपोर्ट था। अब पीछे से है सपोर्ट पर खुद मेहनत करनी पड़ती है। तो 3-4 दिन हो गए लगातार बहुत ड्राइव करना और काम बहुत अब शुरू हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन अब धीरे धीरे ख़त्म होगा ना, तो वो काम अब शुरू हुआ है। तो इसीलिए और ऊपर से लैपटॉप ने भी धोखा दे रहा है बिल्कुल बीच बीच में। यही काम शर्मा जी छोड़ के गए थे, लैपटॉप अगर ले लेते तो और थोड़ा सा आसान हो जाता। अब मुझे ही लेना पड़ेगा, देखो क्या कौन सा लूँगी। अगर आज वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, हस्बैंड वाइफ का ध्यान रखें, वाइफ हस्बैंड का ध्यान रखें। पेड़ ज़रूर लगाएं, इस सीज़न में पेड़ बहुत अच्छे होंगे, फिर से कह रही हूँ, क्योंकि ये सीज़न में पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं, तो नेचुरली उग जाते हैं। ये देखो जो पीछे ना यहाँ से ना ऐसे बिल्कुल गंजे से पहाड़ हो गए थे और इस टाइम पूरा फुल भर जाता है, ये नज़ारा अलग ही होता है। हर हर गंगे हर हर महादेव। अभी कावड़ यात्रा का कुछ पता नहीं है ना, अभी हेमकुंड साहिब यात्रा का पता है, अभी कोई जब होगा वैसे ही आपको अपडेट दे देंगे। हर हर गंगे हर हर महादेव।